चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुलोम और विलोम। इसको नाड़ी शोधक प्राणायाम भी बोलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेग फोल्ड करके बिल्कुल स्ट्रेट मुद्रा में ऐसे बैठ जाना है पद्मासन की स्थिति में। अब इसको आसन को करने के लिए हम अपनी थंब और मिडिल फिंगर इसका यूज़ करेंगे। तो अपनी मिडिल फिंगर को हमें दाहिने नोज पे प्रेस करना है और बाएं नोज से हमें सांस खींचनी है। जब सांस खींचेंगे तो थोड़ा गहरी लंबी सांस रहेगी और फिर जब सांस छोड़ने के लिए अपनी मिडिल फिंगर से नोज़ को बंद करेंगे और दाहिनी नोज से सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से हमको 5 times ये बार बार 5 मिनट तक के लिए करना है। और इस आसन को करने से क्या होता है, इस आसन को करने से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है और सबसे पहले सर्दी और अस्थमा जिनको दमा की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होता है, साथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। तो इसलिए आपको ये अनुलोम विलोम ज़रूर से ज़रूर 5 से 10 मिनट अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। देखिए कैसे करना है एक बार फिर से। थैंक यू।